नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं रितु, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। किसानों को पराली न जलाने की दिलवाई शपथ। मंडी सरपंच पर हुए हमले के विरोध में जगाधरी सरपंच एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे जिला सचिवालय। यमुनानगर में दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। वाहन चालकों की मनमर्जी पर की गई बड़ी कार्रवाई। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर के मुख्य चौराहे पर चलाया स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर यमुनानगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और शहर के मुख्य चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर जगह जगह पर लगे कूड़े के ढेर को हटाया। वह इन दिनों पनपने वाले मच्छर से बचने के लिए फॉगिंग की भी शुरुआत की गई ताकि जनता को स्वस्थ रखा जा सके। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 तारीख से की गई है। और उसी स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व सफाई कर्मचारी के साथ सफाई अभियान चलाया गया। कर्मचारियों की मदद से जिस इलाके में गंदगी नजर आती थी वहाँ सफाई अभियान चलाया गया। आज संतोष हॉस्पिटल के साथ के एरिया में जाकर फॉगिंग की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया जो मच्छर इस मौसम में पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, तो लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए शहर में फॉगिंग की मशीन का भी उपयोग किया गया और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता साथ रहे। यशस्वी आदरणीय विश्व स्तरीय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत 15 तारीख से की है। उसी स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों को तय करके कि जो इलाका साफ नहीं है उस इलाके में जाकर हम सफाई का अभियान करेंगे और उसमें हमारी स्वयं की भी भागीदारी रहेगी। इसलिए ये इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी आए हैं। हमने संतोष हॉस्पिटल के साथ वाला एरिया, सिटी सेंटर मार्केट, जो मेन नेशनल हाईवे जो अब स्टेट हाईवे के अंदर आ गया, वो क्षेत्र देखते हुए संजय विहार कॉलोनी में पहुंचे हैं और हमने फॉगिंग की व्यवस्था, धुआं मच्छरों को मारने के लिए वो भी मशीन साथ लाए हैं, वो भी काम की आज शुरुआत कर रहे हैं। और इस स्वच्छता पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये प्रयास रहेगा कि वो सुबह के 2-3 घंटे कर्मचारियों के सहयोग से खुद अपना श्रम दान करते हुए, सहभागिता करते हुए नगर को साफ सुथरा रखने में एक योगदान देंगे। और स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी की इच्छा है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। जूता प्रकरण पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीएम सेल रोकी मित्तल ने चौटाला पर साधा निशाना। रादौर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे रोकी मित्तल। किसानों को पराली न जलाने की दिलवाई शपथ। जूता प्रकरण पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीएम सेल रॉकी मित्तल ने साधा चौटाला पर निशाना। बोले, जो व्यक्ति एक विपक्ष में रहकर एक विधायक को गोली मारने की बात करता है, वो सत्ता में आने के बाद जनता का क्या करेगा। सांसद सैनी के पार्टी बनाने पर बोले, लोकतंत्र में पार्टी बनाने का सभी को है अधिकार। किसानों से पराली न जलाने की कराई शपथ। दरअसल प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीएम सेल रॉकी मित्तल ने विधानसभा में हुए जूते प्रकरण पर अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विपक्ष में रहते हुए एक चुने हुए विधायक को गोली मारने की बात करता है, वह सत्ता में आने के बाद क्या गुल खिलाएगा। दरअसल रॉकी मित्तल आज रादौर में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं सांसद सैनी के पार्टी बनाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को पार्टी बनाने का हक है। मित्तल ने मौके पर ही बैठक में पहुंचे किसानों को पराली न जलाने पर शपथ करवाई। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से एक और जहां प्रदूषण बढ़ता है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आजकल पराली का सीजन आने वाला, धान का, भाई किसान पराली न जलाएं। आज मेरे सैकड़ों भाइयों ने शपथ ली है कि पराली नहीं जलाएंगे, क्योंकि इसको एक जैसे जन जागरण के अभियान के तहत ले रहे हैं। अभी मेरी 2 एडे भी शुरू होने वाली है सरकार की तरफ से, पराली न जलाएं। और मैं पहले कैथल में, फिर कुरुक्षेत्र में, आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक वो करें कि लोगों तक जाए कि पराली से नुकसान कितना होता है स्वास्थ्य का, जैसे दमा
धुआं होगा तो धमा होगा, धमा से अटैक भी पड़ सकता है। जो जूता प्रकरण, मेरी बात सुनो, जिसको भी विधायक को चुना जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, 90 विधायक चुन के आते हैं और हमारे 10 सांसद चुन के आते हैं, जनता उम्मीद करती है यदि वो सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता के हिसाब से काम करें, यदि विपक्ष में आते हैं तो जनता की आवाज़ उठाएं। लेकिन जनता की आवाज़ उठाने की बजाय वो दोनों गुट भिड़ गए, दलाल साहब और चौटाला साहब, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, एक शर्मनाक बात है। और उसके बावजूद चौटाला साहब कहते हैं मेरे हाथ में यदि बंदूक होती, पिस्टल होती तो मैं गोली मार देता। भाई यदि आप विपक्ष में ऐसी बात कर रहे हो, यदि सत्ता में आओगे तब क्या होगा? जब एक विधायक दूसरे विधायक को गोली मार सकता है तो आम जनता का वो क्या हाल करेंगे, वो जनता ही तय करेगी। राजकुमार जी को खुद बोल चुके हैं कि भाई मैं लोकसभा कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा, शायद अभी कल परसों का बयान था कि मैं शायद रोहतक से लड़ूंगा। देखो, हर एक इंसान का पार्टी बनाने का अपना वो है, कोई भी लोकतंत्र है, आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, भाई बना, कोई बना सकता है। मंडी सरपंच पर हुए हमले के विरोध में जगाधरी सरपंच एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे जिला सचिवालय, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग, पुलिस अधीक्षक ने मामले की निष्पक्षता से जांच करने का दिया आश्वासन। मंडी सरपंच पर हमले के विरोध में जगाधरी सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक के बाद SDM जगाधरी बीबी कौशिक के माध्यम से SP कुलदीप सिंह के नाम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, जिसमें नामजद की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ध्यान रहे, मंडी के सरपंच राकीब अली पर हमला करने के आरोप में गांव के ही 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। नामजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। उधर एसोसिएशन को SP ने भी इस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। गांव मंडी के सरपंच राकीब अली शुक्रवार को अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी गांव के ही अशरफ अली, साजिद, असलम, मतलूब, कुर्बान, फारूक, मुस्तफ़ा, अमजद, जुनैद, आदिल, इमरान व सुफियान ने धारदार हथियारों व डंडों के साथ उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वह जख्मी हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उधर इस वारदात के विरोध में जगाधरी सरपंच एसोसिएशन प्रधान गुरविंदर सिंह की अध्यक्षता में सरपंचों की बैठक हुई, जिसमें सरपंच पर हुए हमले की निंदा की। सरपंच गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, इसके बावजूद सरपंच पर हमला किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि आरोपित अभी भी सरपंच को धमकी दे रहा है, जिसमें परिवार को भी खतरा बना हुआ है, इसलिए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं गांव मंडी से सरपंच हूँ, मौजूदा सरपंच राकीब अली, और 2-3 दिन हुए मेरे पे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कल रात करीब 9:30 बजे जी मेरे को जान से मारने का धमकी देने का फ़ोन आया, और सुबह जी जब मैं खाना खा रहा था जी 8:30 बजे करीब मेरे पे चाकू और तलवारों से इमरान और कुर्बान और अशरफ, साजिद, उनके परिवार के सदस्य, मुस्तफ़ा, उन्होंने चाकू से मेरे पे हमला किया और मैं घायल हो गया। उसके बाद मेरे को सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर ले जाया गया। उसके बावजूद जब पीछे मेरे परिवार वाले सदस्य थे, मेरे भाई बहन थे, उन पे भी पीछे उन पे चाकू से हमला किया, और जब हमने रिपोर्ट कराई तो अभी तक प्रशासन, जो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है, उसका सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब हम घर जाते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है, अगर तुम फैसला नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम औरतों के कपड़े पाड़ कर और उनको नंगी कर उनके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनाब, मैं 3 दिन से परेशान हूँ और मेरे घर को और मुझको धमकियाँ मिल रही है, जिसके कारण मैं पुलिस सहायता और पुलिस प्रोटेक्शन मांगता हूँ, जो कि आगे भविष्य में मेरे लिए तकलीफ महसूस ना हो। ये था जी कि 2 दिन पहले अफसाना वाइफ ऑफ राशिद का केस था जी इमरान के खिलाफ, करीब 11 या 10 तारीख को वो 12:30 बजे करीब उनके घर गया और उसने अफसाना को ज़बरदस्ती पकड़ लिया, जिसका दरख्वास्त अफसाना ने क्रनौर चौकी में दी और CM विंडो में भी दी, लेकिन जब फैसला घड़ी आई मैं मेरे पास 2 बार आए, उन्होंने बोला कि फैसला करा दे। मैंने अफसाना से पूछा कि फैसले के लिए सहमत हो, उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया भी हम इस चीज़ के लिए फैसला नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो एक कुंदक रखने लगे इमरान, कुर्बान
कुंदक रखने लिए मेरे को फ़ोन करने लगे, अगर तू फैसला नहीं कराता तो तेरे को जान से मार देंगे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पुलिस से भी मेरी सहायता की जाए और उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए। मैं सरपंच एसोसिएशन प्रधान जगाधरी ब्लॉक से गुरविंदर सिंह गांव रोड छप्पर से सरपंच हूँ। हमारे जो राकेश वाली जी हैं मंडी गांव से सरपंच हैं और इनके ऊपर कल हमला हुआ। इनका परसों मेरे पास कॉल आई थी, कहते भी गांव में ऐसे करके बात चल रही है भी कोई झगड़ा हो गया था जिसमें मेरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं या मेरे को परेशानियाँ दे रहे हैं लोग। तो फिर कल सुबह इनकी कॉल आई भी हमारे ऊपर, तो हमला ही कर दिया। ठीक है जी, तो हमले के दौरान इनको चोटें लगी सारे परिवार को। तो उसमें सारी बात यही है जी, ये निंदाजनक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी एक सरपंच है जो गांव का, उसको परेशान कर रहे हैं। जब सरपंच की सेफ्टी नहीं है तो और गांव की सेफ्टी कैसे हो जाएगी? तो हम प्रशासन और पुलिस से ही मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज नहीं आए हम आगे जो हमारे पास जो कार्रवाई हो सकेगी हम अपनी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आज इनके साथ हो या कल किसी और सरपंच के साथ यही हो, तो ऐसा हम नहीं चाहते भी आगे भविष्य में कोई ऐसी बात हो। तो हम यही चाहते हैं कि इसका जो है निर्णय सही तरीके से अच्छा लिया जाए। यमुनानगर में दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पैसे के लेन देन व मारपीट से जुड़ा है मामला। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू। यमुनानगर में दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस जांच में ये मामला पैसे व लेन देन और मारपीट के मामले से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों से बात कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार छेड़छाड़ का ये मामला लेन देन और मारपीट के मामले से जुड़ा हुआ है। दरअसल 10 सितंबर को दो लड़कों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों लड़कों को गंभीर चोटें आईं और पुलिस ने इस मामले में 14 तारीख को मामला दर्ज किया था और 15 तारीख को ही एक बच्चे की माँ एक शिकायत लेकर आई थी कि दो लड़कों ने उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस का कहना है कि जांच में यह पाया गया कि यह वही लड़के हैं जिनके साथ 10 तारीख को मारपीट हुई थी और जिन पर आरोप लगा है वो इस बच्ची के परिवार से हैं। यह बात भी सामने आई कि इस बच्ची ने छेड़छाड़ से तंग होकर स्कूल छोड़ दिया था, परंतु पुलिस ने ऐसा कोई मामला होने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस जांच में पाया गया कि उन्हीं लड़कों पर आरोप लगे हैं जिन्हें इनके रिश्तेदारों ने पैसे के लेन देन के चलते पीटा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाया है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात पुलिस कह रही है। आज हमारे पास महिला थाने में एक लेडी आई है सुनीता नाम की, वो अपने साथ दो बच्चियों को लेके आई है कि इन बच्चियों के साथ गुलाटी हॉस्पिटल यमुनानगर के पास किसी ने, दो लड़के हैं उन्होंने छेड़खानी की है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। ये मुकदमा थाना शहर यमुनानगर में जो ये लड़के हैं जिनका नाम ये सुनीता ले रही है, उन दोनों के ने वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया हुआ है मारपीट का। अभी जैसी तफ्तीश में आगे बात आएगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। और ये बात ये पहले थाने में इन्होंने 15 तारीख को दी थी कंप्लेंट थाना शहर यमुनानगर में, और ये वाक्या है ये 10 तारीख का, 10 को ही मारपीट हुई है और ये बच्चियां भी 10 तारीख को ही बता रही हैं, अभी 10 तारीख को हमारे साथ छेड़खानी की थी उन लड़कों ने। हाँ जी, ये बात आ रही है सामने कि इनका इसके मामा के साथ कोई पैसों का लेन देन उन लड़कों के साथ था। अभी देखते हैं जो जैसी तफ्तीश में बात आएगी सामने। वाहन चालकों की मनमर्जी पर की गई बड़ी कार्रवाई। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को किया जब्त। मनचलों को सबक सिखाने और स्कूल कॉलेज के बाद मनमर्जी में नो पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने वाले और बुलेट बाइक से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करने वालों को लेकर पुलिस अब एक्शन में है। MLN कॉलेज के बाहर मनमर्जी से खड़ी 13 मोटरसाइकिल को आज ऑटो में लादकर सभी को पुलिस स्टेशन ले गई। SHO सिटी नरेंद्र राणा ने बताया कि स्थानीय निवासियों की शिकायत लगातार मिल रही थी कि कॉलेज के बाहर युवक अपनी मनमर्जी से बाइकों को खड़ा कर देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ युवकों ने बाइकों में बड़े बड़े हॉर्न लगवा रखे हैं, दूसरे साइलेंसर लगवा कर बुलेट के पटाखे भी बजाते हैं। इसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज हम कॉलेज के बाहर पहुँचे और देखा कि बहुत सी ऐसी बाइक जो मनमर्जी से नो पार्किंग में खड़ी की गई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब इन बाइक को चलाने वाला कोई भी नहीं पाया गया तो मजबूरन बाइक को ऑटो में लादकर हम पुलिस स्टेशन ले आए। फिलहाल आज सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और अगर फिर से ऐसा करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ये जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं इनके बारे में हमें कई दिनों से दरख्वास्तें मिल रही थी
जो आसपास रेजिडेंस एरिया है, ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उनके गेट के बाहर बाइक लगा देते हैं, जिससे उनको आने जाने में और गाड़ी निकालने में बड़ी परेशानी होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि उन्होंने अपने को मरीज को लेकर जाना होता है, लेकिन बाइक सामने खड़ी होने की वजह से निकाल नहीं पाते। इसके चलते हमने कई बार कॉलेज में भी इस बारे में बातचीत की है, स्टूडेंट को समझाया भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग माने नहीं। तो आज हमें मजबूरी में जो बाइकें घर के आगे खड़ी थी उनको उठा के थाने में लाना पड़ा। और जैसे ही वो जिसकी बाइक है वो थाने में आएगा, उसको पहले समझाएंगे और उसको वार्निंग दे के हाथ छोड़ रहे हैं। आइंदा से अगर वो दोबारा ये चीज़ रिपीट करते हैं फिर उनके खिलाफ़ चलान करेंगे। अभी हमारे पास कुछ बाइक आई हैं जिनके अभी ऑनर नहीं आए हैं, ऑनर आएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनका चलान किया जाएगा। हमने आज करीब 13 से 14 बाइक पकड़ी थी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।